आगे आगे, वाह वाह, अति सुंदर मजा। हाँ बराबर परफेक्ट लाइटिंग के साथ बस जला सोलो सोलो करते हैं। एक कार से उतरते हुए ले लेगा क्या सा लुक या फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जैसे हमारा लेबल बहुत न्यू लेबल है उससे हमको जो भी कंटेंट निकालना है वो एटलीस्ट कंटेंट वाइज पावरफुल होना चाहिए। तो ये गाना बनाने के पीछे यही था कि कमर्शियल गाना था, बहुत नई तरह की धुन थी, तो उसमें जब शिप्रा की वॉइस ट्राई की क्योंकि पहले मधु शर्मा ने गाया था ये गाना, तो हमने डिसाइड किया कि इसको थोड़ा सा हम ड्यूट में करते हैं क्योंकि ज़्यादा एक मासी अपील हो जाता है। और फिर ये गाना आया और प्रतीक को इसमें कास्ट किया, प्रतीक ने भी बहुत अच्छा इसमें काम किया, आप वीडियो देख सकते हैं, आर स्वामी ने डायरेक्ट किया वीडियो। तो एंटायरली जो पैकेज बन गया है इसमें शिप्रा का जो फैन बेस है, प्रतीक का जो फैन बेस है, मधुर का है, मेरा जो थोड़ा बहुत वो है, तो ये सब मिला के इस कंटेंट को इस जगह लेके आए हैं कि दो तीन दिन में ही 3.5-4 मिलियन के आसपास गाना पहुंच गया है। तो टचवुड लोगों को काफी पसंद आ रहा है गाना। ये भी कहना चाहूँगा जो भी लिरिक्स होता है, जो भी गीतकार होते हैं कई बार रियल लाइफ इंसिडेंट्स को लेकर ही उस चीज़ को पिरोते हैं गाने को, तो आपका ये जो गाना पिरो, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपके रियल लाइफ में हुआ हो गया? यार ये कुछ गाने बनाए जाते बन जाते हैं, ये गाना एक दिन बस ऐसे गिटार लेके बैठा था, इसका म्यूजिक भी कंपोज मैंने किया, तो यूँ ही गिटार लेके बैठा था, सडनली कुछ लाइन्स आई जैसे कि लिया जो मैंने तेरा नाम हुई सुबह से शाम, तो ऐसे गाता गाता मैंने वॉइस रिकॉर्ड पूरा कर लिया था वॉइस नोट, उसके बाद इसको इस गाने को बनाया। इसको बने में काफ़ी टाइम हो गया गाने को, क्योंकि मेरा था कि कभी इसको खुद के किसी पर्पज़ से रिलीज़ करेंगे या खुद के किसी चीज़ में डालेंगे इस गाने को, क्योंकि थोड़ा सा बहुत न्यू एज गाना है, तो फाइनली 3 साल बाद शायद ये गाना रिलीज़ हुआ है बनने के बाद में। तो हंसी बन गए जो हमारे अधूरी गाने में था, वो गाना अभी भी मैं अपना सबसे बड़ा बेंचमार्क मानता हूँ। उसके बाद बहुत गाने आए, 40 फिल्में कर ली मैंने, बट कहते ना कि फर्स्ट काम जो होता है वो स्पेशल होता है, तो वो हंसी बन गए है मेरा एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके बाद बहुत गाने आए, तुम ही आना है एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है जो मर जाओ में था, फिर दुनिया था जो लुका छुपी में था, मलंग में कुछ गाने थे, चले आना एक गाना था जो दे दे प्यार दे में था, वैसे कुछ 8-10 गाने ऐसे जो मेरी हमेशा मेरे खुद के लिखे मेरी फेवरेट लिस्ट में होते हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी विवाद हो जाता है कभी कभी, कि मतलब जो गीत होते हैं कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि गीत को चुराया गया है या कॉपी किया गया है, कि ये कितना सही या गलत होता है? देखिए ऐसा है कि आजकल तो जैसे रीजनल में तो कोई भी किसी का भी कॉपी कर लेता है, बट अपने यहाँ पे एक प्रॉपर राइट्स लेके ही वो गाना मतलब रिक्रिएट किया जाता है, ऐसे कोई किसी का गाना लेता नहीं है, सब प्रोफेशनल लोग हैं। मैंने भी कुछ रिक्रिएट किए हैं, घर से निकलते किया, कुछ और आने वाले हैं, तो वो सब राइट्स लेके और प्रॉपर एक तरीके से काम होता है। कृणाल जी, ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जो मार्केट बहुत बड़ा है, और ये लेटेस्ट ट्रेंड क्या समझते हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूजिक का हिस्सा बन के ही आप एक लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट कर सकते हैं? यार मुझे ये लगता है कि आपको जो भी काम मिलता है वो करो, ईमानदारी से करो। मैं जब आया था तो मेरे पास फिल्म ज़्यादा थी, फिर पेंडेमिक के बाद में सिंगल्स का मार्केट काफ़ी खुल गया, उसके तो सिंगल्स का मार्केट खुलने के बाद मैंने काफ़ी कोलैबोरेशंस किए, काफ़ी 3-4 बड़े इंटरनेशनल भी किए कोलैबोरेशन, तो सिंगल्स का मार्केट मेरा एक अलग से खड़ा हो गया। देन आई स्टार्टेड कंपोजिंग सॉन्ग्स, अभी खुद कंपोज कर रहा हूँ, खुद म्यूजिक दे रहा हूँ, जैसे मैंने अदनान सामी सर का किया था तू याद आया, एंड अरमान का भी किया था, फिर चीट इंडिया का म्यूजिक भी किया था। तो धीरे धीरे मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे
मुश्किल आएगी, क्योंकि जैसे आप सीखते हो वैसे अपने आप को एक्सप्लोर करते हो. आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी. मेरे को एक विलेन के सीक्वल का भी हिस्सा है आप, उसने देखा कैसा कैसा अच्छे गाने थे इस फिल्म में. इस फिल्म से भी काफी उम्मीद है कि बहुत अच्छे गाने आने चाहिए. लेट्स सी. आज के दौर में ऐसा कोई लेडीज राइटर है जिसको आप इंस्पिरेशन समझते हैं, समझते हैं कि हाँ इनका जो गीत है वो काफी इंस्पिरेशनल होता है या काफी डेप्थ होता है इनके गानों में? आजकल क्या होगा कि गाने काफी क्वांटिटी में आ रहे हैं. एक राइटर एक एक महीने में 5-5 अच्छे से गाने रिलीज करते हैं, तो वो एक होता है कि सारे गाने उनके फेवरेट नहीं होते. तो मेरा तो कंटेंट फेवरेट है. कोई भी राइटर अगर अच्छा गाना लिखता है तो मुझे पसंद आता है, तो मैं कंटेंट को ज़्यादा फॉलो करता हूँ. कि अगर मान लो कि किसी ने भी अच्छा गाना लिखा हो, मैं फ़ोन करके उनको बधाई भी देता हूँ और फॉलो भी करता हूँ. फिर जो भी अच्छा लिखता है वही मेरा मेरी इंस्पिरेशन है. पहले थे काफ़ी लोग जो जैसे आनंद जी थे, वो मेरे मुझे काफ़ी पसंद है उनकी राइटिंग. गुलजार साहब है, वो मुझे पसंद है. आजकल के दौर में कुछ राइटर्स हैं जो मैं पसंद करता हूँ. मनोज जी हैं, मनोज मुंतशिर, वायु है, विराग जी हैं, तो ये लोग अभी मुझे उनकी राइटिंग में थोड़ी सी पसंद करता हूँ. तो ये भी कहना चाहूँगा कि जावेद अख्तर जैसे लिरिक्स राइटर की कितनी जरूरत है, जिनके राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होता है, काफ़ी मीनिंग होता है, वो कहाँ लैक कर रहा है अभी आज के दौर में? वो कहीं भी लैक कर रहा है. उन्होंने कर लिया, उन्होंने इतना लंबा राज किया है इंडस्ट्री पे. अब उनको किसी पहचान के और काम करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि एक इतनी बड़ी पारी खेलने के बाद इंसान को रेस्ट भी चाहिए होता है. तो अभी वो बहुत सेलेक्टिव चीज़ें करते हैं, वो बहुत अच्छा भी है उनके लिए. सर आपका ऐसा कौन सा गाना है जो आपको लिखने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा या आपको बहुत प्रिय है वो गाना आपके लिए? मुझे जो सबसे ज्यादा टाइम लगा वो गाना अब रिलीज होने वाला है, तो जब आएगा तो जरूर मैं बताऊंगा. एंड बिगेस्ट गाना मेरा अभी तक. लास्ट ईयर ने होगा, कितना क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है आपको म्यूजिक डायरेक्टर से, म्यूजिक कंपनी से, या ओवरऑल कितना क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है आपको व्हेन यू आर राइटिंग? हमको मतलब सर मेरा ऐसा है कि मैं कभी किसी मतलब जैसे कोई गाना हमने लिखा तो उसके इनपुट्स बहुत सारे रहते हैं. कभी लेबल का आ जाता है, कभी कंपोजर का आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है. मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं उसको मतलब मुझे ये लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी भी ख़राब ना हो, उनका एक विजन है गाने को लेकर वो भी ख़राब ना हो, तो बीच का एक सोल्यूशन निकाल के दे देता हूँ. तो इससे मुझे इतना डिस्टर्ब करती नहीं है ये चीज़ें. थैंक्स. अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे को-एक्टर हैं और बहुत ही लंबा शूट था इस गाने का. हम लोग कसौली गए थे और काफी सारे सीन्स है गाने में. अगर आप देखें एक पूरी कहानी इट्सेल्फ, एक शॉर्ट फिल्म है ये गाना, नहीं है एक शॉर्ट फिल्म है. तो बहुत मेहनत लगी इसको शूट करने में. एंड प्रतीक ने बहुत अच्छा काम किया है, सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. आर स्वामी जी जो डायरेक्टर हैं वीडियो के, और लिरिक्स कुणाल वर्मा ने लिखे हैं, गाया मधु शर्मा और मैंने, म्यूजिक अभिजीत वगानी का है. सो मेरी ट्यून्स पर ये गाना आप लोग देख रहे हैं. बहुत ही ज्यादा लोगों की मेहनत लगी है इस गाने के पीछे और आप उसे प्यार दे रहे हैं तो वो मेहनत सफल हो गई. मैम आपने जब आपकी करियर की शुरुआत की थी, आपका जो फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ था, आपको कैसा लग रहा था तब जब आपका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज होने वाला था? मेरा पहला गाना था इश्क बुलावा, जो मेरा बॉलीवुड में डेब्यू सॉन्ग था. एंड विशाल शेखर, धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर, हसी तो फसी, मतलब और मैं क्या मांग सकती थी. पर इश्क बुलावा गाना आया, बहुत बड़ा हिट हुआ. आज भी अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें सारे गानों में से सबसे ज्यादा हिट इश्क बुलावा के होते हैं, क्योंकि लोग आज भी वो गाना बहुत ज्यादा सुनते हैं. लोगों के दिलों में बस गया वो गाना. तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम के लिए भी कुछ ऐसा हो और वो लोगों के दिलों में बस जाए तो हमारी मेहनत और ज्यादा सफल हो जाएगी. शिपा जी, लेकिन क्वांटिटी इतना ज्यादा हो गई है आज के दौर में इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोस का, मतलब हर दूसरा आदमी हर एक दिन में 5 गाने तो रिलीज होने हो गए. हां तो इट्स अ गुड थिंग और समथिंग यू वांट टू से, आई मीन कि क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है. देखो क्वालिटी मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आपके कंटेंट में वो बात नहीं है. सो क्वालिटी मेंटेन जरूर कीजिए और अच्छे गाने. पर ये होता है कि जितने मर्जी गाने आ जाए, जो अच्छा गाना ना वो अपने आप निकल के ऊपर आके हिट हो जाता है. बट बजट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. अगर इतनी सारी म्यूजिक कंपनीज है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, बट यू नो फ्यू आर सर्वाइविंग हाई लेवल पे, तो वो बताइए वो कितना जरूरी होता है कि बजट्स शुड बी देयर टू. बजट्स
तो देखिए, अब जितना बजट बॉलीवुड वालों के पास है या एक मूवी के पास है, हम आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक बना रहे हैं, हमारी एक छोटी सी प्यारी सी कंपनी है, हमारे पास उतना बजट नहीं है, बट हम अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं। शायद वो लोग इतना कंटेंट पे फोकस ना करें जबकि उनके पास बड़ी बड़ी टीम्स है, पर हम अपने छोटी सी टीम लेके अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं, अच्छा गाना निकालते हैं, लोग पसंद करते हैं तो अगले गाने के लिए हिम्मत आ जाती है, लोग नहीं पसंद करते तो सोचते हैं यार चलो अगला करते हैं वो हिट हो जाएगा। Talking about shooting experience, कहाँ शूट हुआ था? काफी देखने में अच्छा लग रहा है, it's very colorful and very attractive, तो कहाँ शूट हुआ था, कैसा अनुभव था शूट का? ये गाना कसौली में शूट हुआ है एंड दो तीन दिन लगे हैं हमें इस गाने को, इस शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए, और बहुत ही मजा आया शूटिंग के दौरान क्योंकि पहली बारी मैं कैथोलिक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ क्रिश्चियन गर्ल, सो लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं एंड प्यार दे रहे हैं, एक एक सीन गाने को उठा के वायरल, एक एक सीन उठा के वायरल, अच्छा कॉफिन में लेटे हुए वायरल या गोली लगी वायरल, तो मैंने भी बहुत कुछ डिफरेंट किया इस गाने में, मैंने ये गोलियां वोलियां ये पैचेस लगा के और तारे लगा के कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, स्पेशल इफेक्ट्स, तो या इंटरेस्टिंग। Talking about a career of an artist, I mean, a singer की बात करें तो क्या सिर्फ independent music के basis पे you can create a good career, a larger than life image, जैसे अगर बिना किसी support के Bollywood का अगर आपको contract नहीं मिलता है, just through the independent music scenario, career create हो सकता है? मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है independent music pick होने लगा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा फिल्मों पे dependent रहना पड़ता था कि फिल्म का गाना मिलेगा तो कुछ हो जाएगा, but अब अगर आपके पास talent है, आप घर पे बैठे YouTube से अपने आप को वायरल कर सकते हो, अपने आप को हिट कर सकते हो, सो शुक्र है भगवान का कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक आया, तभी हमें नए नए चेहरे और नए नए गाने डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, वरना एक वो मोनोपोली सी रहती है कि हाँ उस कैंप में चले जाओ, नहीं उस कैंप में चले जाओ, नहीं वो गाना गवा लेंगे, उनसे मिलो वो गाना गवा लेंगे, बट आई डोंट थिंक कि अब उस चीज की जरूरत है, इट्स योर टैलेंट योर टोन। Even actress are trying to become a singer. मैंने श्रद्धा ने try किया, successful भी रही। Try करने तो अच्छी बात है, सबको नए नए कुछ try करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज करते करते लोग भी bore हो जाते हैं, उनको भी कुछ exciting करना life में, so good है। But do you think producer will prefer singers who are artists as well or artists who are singers as well? जो feel गाने को एक singer दे सकता है, वो एक actress नहीं दे सकती। Otherwise वो बहुत ज़्यादा trained होनी चाहिए, उसको सच में गाना आना चाहिए। तो जहाँ एक singer की ज़रूरत है, वो काम एक singer ही करेगा। Lastly, talking about what's the plan for your this brand music label and about your personal career? Now I'm planning my album, and वो album आप सभी लोग बहुत जल्दी देखेंगे. This is my first album, so I'm very excited. बहुत तरीके के genres, different videos हमने उसमें किए हैं, तो कुछ अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा.